इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ श्री अरुण पुरी जी, आपके ग्रुप के सभी पत्रकार साथी, न्यूज रूम में इस वक्त काम कर रहे सभी जर्नलिस्ट, आपके साथ जुड़े हुए सारे स्ट्रिंगर्स, यहाँ उपस्थित अन्य महानुभाव और मेरे साथियों, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव से जुड़े सभी लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपके ग्रुप ने जिस तरह स्वच्छ भारत मिशन में हिस्सा लिया, लोगों को जागरूक किया, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मुझे कहा गया है कि देश का नेतृत्व करते हुए मुझे क्या कुछ सीखने को मिला, इस बारे में अपने अनुभव आपसे साझा करूं। जब 2014 के चुनाव के बाद मैं दिल्ली आया तो वाकई बहुत सी बातों का अनुभव मुझे नहीं था। केंद्र सरकार कैसे चलती है, क्या क्या व्यवस्था है, सिस्टम क्या है, इसका बहुत अंदाज नहीं था। और मैं मानता हूं कि ये मेरे लिए वरदान की तरह साबित हुआ। अगर मैं पुरानी व्यवस्था का हिस्सा होता तो चुनाव के बाद एक खांचे की तरह जाकर उसमें फिट हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साथियों, मुझे याद है कि 2014 से पहले आपके स्टूडियो में भी चर्चा होती थी कि मोदी को क्या मालूम है दुनिया में क्या चल रहा है, मोदी को उसकी कोई समझ ही नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, ऐसे में हमारी विदेश नीति का क्या होगा, ये सवाल थे और स्वाभाविक थे। मैं नहीं मानता वो गलत थे, क्योंकि एक राज्य के अंदर सीमित रहकर के काम किए हुए व्यक्ति के लिए सवाल उठने बहुत स्वाभाविक है। और नहीं मेरा कोई ऐसा पारिवारिक बैकग्राउंड था कि लोग भरोसा करेगा, हाँ यार ये 6 लोग उनके परिवार के थे ये भी कर लेगा, ऐसा भी नहीं था। तो सवाल बहुत स्वाभाविक थे, लेकिन बीते दिनों के घटनाक्रम में आपको दिखाई दे गया होगा कि भारत की विदेश नीति का प्रभाव आज क्या है। दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? चलिए, आपने माना तो। साथियों, आज का भारत नया भारत है, बदला हुआ भारत है। हमारे लिए एक एक वीर जवान का खून अनमोल है। पहले क्या होता था, कितने भी लोग मारे जाएं, जवान सभी शहीद हो जाएं, लेकिन शायद ही कोई बड़ी कार्रवाई होती थी। लेकिन अब कोई भारत को आंख दिखाने का साहस नहीं कर सकता। हमारी सरकार देश हित में हर फैसला लेने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत आज एक नई नीति और रीति पर चल रहा है, और आज पूरा विश्व भी भारत को समझने लगा है। साथियों, आज का नया भारत निडर है, निर्भीक है और निर्णायक है, क्योंकि आज 125 करोड़ भारतीयों के पुरुषार्थ, उनके विश्वास के साथ देश आगे बढ़ रहा है। भारतीयों की इस एकजुटता ने ही देश के भीतर और बाहर कुछ देश विरोधी लोगों में एक डर पैदा किया है, और मैं भीतर और बाहर दोनों कह रहा हूं। आज जो ये वातावरण बना है,
मैं यही कहूंगा कि ये डर अच्छा है। जब दुश्मन में भारत के पराक्रम का डर हो तो ये डर अच्छा है। अब आतंक के आकाओं में सैनिकों के शौर्य का डर हो तो ये डर अच्छा है। जब भगोड़ों में भी कानून और अपनी संपत्ति जब्त होने का डर हो तो ये डर अच्छा है। जब मामा के बोलने से बड़े बड़े परिवार बौखला जाए तो ये डर भी अच्छा है। जब भ्रष्ट नेताओं को भी जेल जाने का डर सताएं तो ये डर अच्छा है। जब भ्रष्टाचारियों में भी कानून का डर हो तो ये डर अच्छा है। साथियों, स्वतंत्रता के बाद के दशकों में देश ने बहुत कुछ सह लिया। अब ये नया भारत अपने सामर्थ्य, अपने साधन, अपने संसाधनों पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहा है। अपनी बुनियादी कमजोरियों को दूर करने का, अपनी चुनौतियों को कम करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन साथियों, बढ़ते हुए इस भारत के सामने एक चुनौती और खड़ी हुई है। ये चुनौती है अपने ही देश का विरोध और अपने ही देश की मजाक उड़ाकर आत्मसंतुष्टि की प्रवृत्ति का। मुझे आश्चर्य होता है कि आज जब पूरा देश हमारी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है तो कुछ लोग सेना पर ही संदेह कर रहे हैं। एक तरफ आज पूरा विश्व आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ दे रहा है तो दूसरी तरफ कुछ पार्टियां आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई पर संदेह कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनके बयानों को, जिनके आर्टिकल्स को पाकिस्तानी संसद, वहां का रेडियो, वहां का टेलीविजन चैनलों पर भारत के खिलाफ एक सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये लोग मोदी विरोध करते करते देश विरोध पर उतर आए हैं। देश को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं आज इस मंच से ऐसे सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपको हमारी सेना के सामर्थ्य पर विश्वास है या फिर संदेह है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आपको हमारी सेना की कही बातों पर भरोसा है या फिर आप उन लोगों पर भरोसा करते हैं जो हमारी धरती पर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। भाइयों और बहनों, मैं ऐसे सभी लोगों और पार्टियों से कहना चाहता हूं कि मोदी, कई मोदी आएंगे, कई मोदी जाएंगे, लेकिन ये देश अजरा अमर रहेगा, भारत रहने वाला। और इसलिए मेरा आग्रह है उनसे, कृपया अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने बौद्धिक अहंकार की पुष्टि के लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करना छोड़ दीजिए, भारत को कमजोर करना बंद कर दीजिए। साथियों, इन दिनों बहुत चर्चा चल रही है और एक स्वर उठ रहा है, राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है। आज हिंदुस्तान एक स्वर में कह रहा है कि अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। और ये बात हम साफ साफ समझे कि राफेल पर पहले स्वार्थ नीति
उसके कारण और अब राजनीति के कारण देश का बहुत नुकसान हुआ है। मैं इन लोगों को स्पष्ट कहता हूं कि मोदी विरोध करना हो तो जरूर कीजिए, हमारी योजनाओं में कमियां निकालिए, उनका क्या असर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस पर सरकार की भरसक आलोचना कीजिए, आपका हमेशा स्वागत है। लेकिन देश के सुरक्षा हितों का, देश के हित का विरोध मत कीजिए। आप ये ध्यान रखिए कि मोदी विरोध की इस जीत में मसूद अजहर और हफीज सईद जैसे आतंकियों को, आतंक के सरपरस्तों को सहारा न मिल जाए, वो और मजबूत न हो जाए। फ्रेंड्स, दोज हु रूल द नेशन फॉर मेनी मेनी इयर्स हैड इंटरेस्ट इन टू थिंग्स, डोल्स एंड डील्स। द कल्चर ऑफ डोल्स एंड डील्स हार्म अवर नेशंस डेवलपमेंट जर्नी ग्रेटली। डू यू नो द बिगेस्ट सफरर्स ऑफ दिस अप्रोच? अवर जवान्स एंड किसान। लेट मी टॉक अबाउट द डिफेंस सेक्टर फर्स्ट। Why is it that those who ruled the nation for so many years have so many defense camps in their era? They began with jeeps and later graduated to weapons, submarines, helicopters. In the process, the defense sector suffered. If a deal could not happen, defense modernization could not happen. Who is every deal maker close to? Who is the every middleman close to? The entire nation knows, and Lutyens Delhi surely knows. Friends, it is common knowledge that one of the things our armed forces regularly need are bulletproof jackets. In 2009, our force made a request for 1,86,000 bulletproof jackets in 2009. You would be ashamed to know that not one bulletproof jacket was obtained from 2009 to 2014. In our tenure, we brought 2,30,000 bulletproof jackets. In our tenure, the corridors of power are also free from middlemen because they know this government will not treat it, this government will never tolerate any corruption. Now, let me talk of doles. Those in power loved giving doles. These doles were not aimed at empowering the poor. These doles were given so that the poor remained poor and remained at the mercy of the political class. The best example of this is the farm loan waivers. No economist or policy expert will ever say farm loan waivers can solve our agrarian issues. It is a temporary balm at best. Every 10 years, UPA came out with a farm loan waiver idea. They did nothing in their full tenure, but at the 11th hour, offered a farm loan. There is nothing tangible in their waivers. It benefits less than 20% of the farmers. Yet, they love to fight polls on farm loans. We have taken a different approach. The PM Kisan Samman Nidhi, a comprehensive scheme for farmers' welfare. No dole, no deal, only good deed.
6,000 रुपीज इन थ्री पार्ट्स टू 12 करोड़ फार्मर्स ऑफ इंडिया. द स्कीम वॉज अनाउंस ऑन 1st February एंड लॉन्च ऑन 24th February. वी वर्क 24 आवर्स नॉन स्टॉप एंड लॉन्च इट इन 24 डेज. प्रीवियसली दिस मच टाइम वुड बी टेकन टू डिसाइड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आफ्टर विच मेंबर ऑफ द फैमिली शुड बी नेम द स्कीम. एंड अनलाइक वेवर्स पीएम किसान सम्मान निधि इज ए लॉन्ग टर्म एंड लॉन्ग लास्टिंग असिस्टेंस. Our other schemes are like this too, be it soil health cards, PM Kisi Sinchai Yojana, INM, they are not dolls, they are concrete long-term measures to increase farmers' income by 2022. It was the NDA government that had the honor of bringing a historic hike in MSP for farmers. When the previous government was in power, a file for MSP was kept in cold storage for almost 7 years. Thus, while they work for 10% commission, we work with 100% mission. And when a government works with a strong mission, all-round development becomes possible. Friends, our 55 months and the 55 years of the others have given two contrasting approach to governance. They had a token approach. We have a total approach. For everything they had a token to offer, let me elaborate. India had been battling poverty, but they gave a token slogan, Garibi Hata. How to achieve that was not specified, and neither did they make any effort to remove poverty. But they went place to place saying, Garibi Hatao, Garibi Hatao, Garibi Hatao. It was known that India needed to work on financial inclusion. For that, they gave a token, bank nationalization. They did this in the name of the poor, but none of them bothered to check if the doors of banks are open for the poor or not. Take the case of one rank, one pension. A 40-year-old demand was left hanging, but during their last budget in 2014, a token amount of 500 crore rupees was added. They knew very well that this was not even close to the amount needed. But then again, token. And the election that were approaching before 2014, what was their poll plank? Increase gas cylinder from 9 to 12. Imagine such a large national party with years in government is reduced to fighting a poll on 9 to 12 cylinders. This way of giving tokens is not acceptable to us. If work has to be done, it has to be in totality, not with tokenism. That is why all our initiatives aim for 100%. Jan Dhan, financial inclusion and banking for all, housing for all, a house for every Indian by 2022, and we are making remarkable progress in this direction. 1.5 crore homes have already been created compared to 25 lakh homes made by UPA. Health care for all, Ayushman Bharat, no Indian must be deprived of good and affordable health care. 50 crore Indians will benefit from this scheme. One rank, one pension. Compare their 500 crore
to the 35,000 crore that was eventually given by the NDA government as a part of OROP, Ujjwala Yojana. While they were busy between 9 and 12 cylinders, we have worked to give smoke-free kitchens to crores of families. Power for all. Every village and every household should have electricity. The 18,000 villages in darkness for 70 long years have now been electrified, and now the focus is on household electrification. So you can see, we are working with both speed and scale. Everything has to be for all, not a select few. Enough of tokenism. The time has come for a total transformation where the fruits of development reach each and every citizen. Saathiyon, aaj tak. साथियों आज तक अच्छे सवाल पूछने के लिए जाना जाता है, लेकिन आज मैं भी आज तक के मन से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि मेरे सवाल आपको सोचने के लिए मजबूर करेंगे। आज तक क्यों करोड़ों लोगों को खुले में शौच के लिए भी बसते, आज तक क्यों दिव्यांगों के लिए सरकार संवेदनशील नहीं थी, आज तक क्यों गंगा का पानी इतना प्रदूषित था, आज तक क्यों नॉर्थ ईस्ट की उपेक्षा की गई, आज तक क्यों हमारे देश की सेना के जांबाज वीरों के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं था, आज तक क्यों हमारे वीर पराक्रमी पुलिस कर्मियों के लिए कोई नेशनल पुलिस मेमोरियल नहीं था। देश को पता नहीं है, आजादी के बाद 35,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की शहादत हुई है, ये कोई मेमोरियल नहीं था। आज तक आजाद हिंद फौज की सरकार की याद में लाल किले में झंडा क्यों नहीं फहराया गया, आज तक के मंच पर अगर मैं सवालों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाऊं तो घंटों का विशेष बुलेटिन बन सकता है। इन सवालों पर आप चाहे हल्ला बोले या न बोले, सिलसिलेवार कहानियां बनाए या न बनाए, परंतु एक सच्चाई है कि पहले इस देश के गरीबों पीड़ितों शोषितों वंचितों को सिस्टम से जोड़ने के सार्थक कोशिशें नहीं की गई। लेकिन मैं यहां सिर्फ सवाल करने नहीं आया हूं, कुछ जवाब भी देना चाहूंगा और वो भी बिना आपके पूछे कि हमने क्या हासिल किया और क्या हासिल कर रहे हैं। आप लोग अपने आप को सबसे तेज बताते हैं और आपकी टैगलाइन है सबसे तेज, तो मैंने सोचा कि आज मैं भी आपको अपने बारे में और अपनी सरकार के बारे में बता दूं कि हम भी कितने तेज हैं। आज हम सबसे तेज गति से भारत में गरीबी हटा रहे हैं, आज हम सबसे तेज गति से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। 1991 आप चौंक जाएंगे, 1991 से देखें तो पिछले 5 साल की अवधि में हमने जीडीपी ग्रोथ
सबसे तेज गति से बढ़ाई है 1991 से देखे तो पिछले 5 साल की अवधि में हमने सबसे तेज महंगाई दर को घटाया है। आज देश में सबसे तेज गति से सड़कों का निर्माण हो रहा है, आज सबसे तेज गति से रेलवे का विकास कार्य हो रहा है, आज हम सबसे तेज गति से गरीबों के लिए मकान बना रहे हैं, आज देश में सबसे तेज गति से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का कार्य हुआ है, आज देश में सबसे तेज गति से ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने का कार्य हो रहा है, आज देश में सबसे तेज गति से सबसे अधिक एफडीआई आ रही है, आज देश में सबसे तेज गति से स्वच्छता का दायरा बढ़ रहा है। और तो जैसे सबसे तेज आपकी टैगलाइन है, तो इसी तरह से सबसे तेज हमारी सरकार की लाइफलाइन है। भाई और बहनों, मैं 2013 में जब आपके यहां आया था तो उस समय मैंने आपको दो दोस्तों की कहानी सुनाई थी। ये कहानी ये थी कि एक बार दो दोस्त जंगल में घूमने के लिए जाते हैं। भयानक जंगल में निकले थे इसलिए उन्होंने अच्छी किस्म की बंदूक अपने पास रखी थी कि अगर कोई खूंखार जानवर मिल जाए तो अपनी जान की रक्षा कर सके। जंगल में उन्हें पैदल जाने की इच्छा हुई तो घने जंगल में चल पड़े और तभी अचानक एक शेर सामने आ गया। अब क्या करें, बंदूक तो गाड़ी में रह गई थी, वहीं छोड़ आए थे। बड़ी समस्या थी, कैसे स्थिति का मुकाबला किया जाए, भागकर जाए तो कहां जाए। लेकिन उसमें से एक ने अपनी जेब से बंदूक का लाइसेंस निकालकर शेर को दिखाया कि मेरे पास बंदूक का लाइसेंस पड़ा है। साथियों, उस समय जब मैंने यह कहानी सुनाई थी तो मैंने इस बात को बराबर मेरे जहन में था कि उस समय की सरकार का वही हाल था। पहले की सरकार ने एक्ट तो खूब बनाए लेकिन उसमें एक्शन नहीं था। अब सरकार में आने के बाद हमने एक्ट के साथ एक्शन को भी किस तरह साकार किया, तब के और अब के वक्त में क्या फर्क आया है, उसके कुछ और उदाहरण मैं देना चाहता हूं। साथियों, बेनामी संपत्ति कानून को 1988 में पारित किया गया था लेकिन कभी इसे लागू नहीं किया गया, यानी एक्ट कभी एक्शन में लाया ही नहीं गया। हमारी सरकार ने इसे लागू करने का कार्य किया और हजारों करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त की है। पिछली सरकार में आपने फूड सिक्योरिटी एक्ट का हाल देखा होगा, खूब हो हल्ला मचा करके लाया गया। लेकिन जब मेरी सरकार आई तो मैं देखकर दंग रह गया कि ये एक्ट सिर्फ 11 राज्यों में आधे अधूरे तरीके से लागू किया गया है। पहली बार हमारी सरकार ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस कानून को लागू किया और सुनिश्चित किया कि जन जन तक इसका लाभ पहुंचे। पहले भी यही सरकारी अधिकारी थे, यही फाइलें थी, यही अफसर, यही दफ्तर, लेकिन परिणाम क्या था आप सबको पता है। आज हमने एक्शन पर जोर दिया और देखिए देश में किस गति से विकास कार्य हो रहे हैं। साथियों, 2014 से 2019 का ये कालखंड कहने को तो 5 वर्ष का है लेकिन जब आप विकास की पटरी पर दौड़कर हमारी सरकार के कामकाज का आकलन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा मानो विकास के कई दशकों की यात्रा करके लौटे हो।
ये बात जब मैं पूरी दृढ़ता से कहता हूं तो इसके पीछे हमारी सरकार के 5 वर्षों का कठिन परिश्रम और 125 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद एवं भागीदारी है। 2014 से 2019 आवश्यकताओं को पूरा करने का समय था, जबकि 2019 से आगे आकांक्षाओं को पूरा करने का अवसर है। 2014 से 2019 बुनियादी जरूरतों को हर घर तक पहुंचाने का समय था, जबकि 2019 से आगे तेज उन्नति के लिए उड़ान भरने का अवसर है। 2014 से 2019 और 2019 से शुरू होने वाली आगे की यात्रा बदलते हुए सपनों की कहानी है। निराशा की स्थिति से आशा के शिखर तक पहुंचने की कहानी है, संकल्प से सिद्धि की ओर ले जाने वाली कहानी है। साथियों, हमने किताबों में खूब पढ़ा है कि 21वीं सदी भारत की होगी। बीते 5 वर्षों की मेहनत और परिश्रम से हमने देश की नींव को मजबूत करने का काम किया है। इस नींव पर नए भारत की भव्य इमारत का निर्माण होगा। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि हां, 21वीं सदी भारत की होगी। और इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बुलाया, अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अरुण जी को फिर से एक बार स्वच्छता के मेरे मिशन को आगे बढ़ाने में उनके योगदान का, उनके पूरे ग्रुप को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।